नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सांसद सुनीता दुग्गल ने की प्रेस वार्ता। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए ये लाए गए हैं तीनों कृषि कानून। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बौखलाहट में किसानों को बरगला रही है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून को लेकर के सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान के हित के लिए हैं, केवल कांग्रेस द्वारा ही इनका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और केवल बौखलाहट में इन कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के राज में कुछ भी नहीं किया, ना किसानों के हित के लिए किया और ना ही उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य किया। आज किसान हितैषी कानून होने के कारण ये लोग ढोंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये भी नहीं पता है कि आलू और प्याज जमीन पे लगते हैं या फिर पौधे पर। ऐसे लोग आज कानून की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुकी है। उन्हें लगता है कि अगर इस बिल के आ जाने से किसानों के ये बिल समझ में आ गए तो कांग्रेस फिर से अपनी कभी जमीन उठा नहीं पाएगी और उभर नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं तय कर पा रही है, वह पार्टी आंदोलन कर किसानों का भला क्या करेगी। वहीं हाथरस मामले में सुनीता दुग्गल ने कहा कि निगम में अधिकारियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई है, योगी सरकार ने उन्हें पहले सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़िता के लिए पूरी तरह से न्याय दिलवाएंगे। पल पल सिरसा से अमर सिंह जाणी की विशेष रिपोर्ट। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारे किसान भाई जो हैं उनकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और एक स्टीरियोटाइप सिस्टम जो चल रहा था, परंपरागत जो खेती है वही चल रही थी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा जो किया था कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, तो उसी के तहत जो है ये तीनों बिल लेकर आए गए हैं, जिसके अंदर एक असेंशियल कमोडिटीज का है और दो जो है वो कृषि के विधेयक हैं। और इन तीनों विधेयक जो है इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होने वाला है। अगर हम असेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो उसके अंदर अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो पहले स्टोर नहीं की जा सकती थी, अब वो जो है स्टोरेज में भी किए जा सकते हैं, हमारा किसान भाई भी उनको स्टोर कर सकता है, तो अब वो उसके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो दो हैं हमारे कृषि के विधेयक, जिसके अंदर एक तो ये है कि हमारा जो किसान है अब वो कहीं पर भी जाकर जो है वो अपनी फसल को बेच सकता है। और पहले क्या था कि अगर वो कहीं बाहर जाकर बेचता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट फीस का चक्कर पड़ जाता था, लेकिन अब जो है अगर वो चाहे तो एपीएमसी के थ्रू मंडियों में जो है अपना एमएसपी पे वहां बेच सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने मंडियों से बाहर भी बेच सकता है। मंडियों के बाहर अगर बेचेगा तो वहां पर उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मार्केट फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगी, जबकि अगर वो मंडियों में बेचेगा तो वहां पर शायद जो है वो कुछ परसेंट है, हाँ वहां पर टैक्स जो है। तो एक ये फायदा है। जो तीसरा बिल जो है उस बिल में ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि पहले जो जैसे सीरी वगैरह लगा लेते थे तो उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता था कि दोनों के अंदर, आपने देखा होगा कि कई जगह पर इसको लेकर कितना जबरदस्त आपस में डिस्प्यूट रहता था। लेकिन इसके अंदर जो है कि अगर कोई व्यापारी जो है फसल का अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो उगाने से पहले भी कर सकता है, उगाने के बाद भी कर सकता है। और उसके अंदर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो किसान भाई हैं उसमें उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि जो भी पैसे उन्होंने खाद के लिए या बीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर से लिए हैं तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा। और अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कहीं ब्रीच करता है तो उसमें उसको कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा पैसा भी, उसको पेनल्टी भी लगेगी और जो है उसको कई तरह का नुकसान। सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अब हमें थोड़ा सा हटके, परंपरागत तरीके से हमें हटके जो है वो खेती करनी चाहिए। और हम अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो क्यों ना हम 1 एकड़ 2 एकड़ में जो है इस तरह का काम कर लें, बाकी में आपकी जो परंपरागत खेती है वहां पे वो उगा लें। आप कि एमएसपी का शोर बहुत मचाया था कांग्रेस पार्टी ने और वो उनको उल्टा पड़ा, क्योंकि एमएसपी हमारी सरकार ने खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी अनाउंस कर दी है पहले से, और उसके ऊपर खरीद जो है वो शुरू भी हो गई है। एमएसपी को किसी भी कीमत पर छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एमएसपी की अगर मैं आपको बात करूं कि एमएसपी जो है इससे जो खरीद करती है सरकार
उसको बफर स्टॉक में रखती है, उस बफर स्टॉक को जो हमारे गरीब भाई हैं जिनको 2 रुपया किलो चावल 2 रुपया किलो गेहूं जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो इसी में से दिया जाता है। तो हाँ, पीडीएस सिस्टम, तो ये सिस्टम तो चलेगा ही, तो ये सिस्टम अगर चलेगा तो एमएसपी भी चलेगी, आपकी एपीएमसी भी चलेगी। तो इसलिए जो है ये एक तरह से मैं कहूंगी कि उनको एक फ्री हैंड है कि वो जो अपने मंडियों में बेचना चाहते हैं एमएसपी पे वहां बेचे, बाकी का माल जो है वो आराम से बाकी व्यापारियों को बेच सकते हैं, कहीं पर भी बेच सकते हैं। उनको बहुत जबरदस्त, मैं कह रही हूँ कि इसमें हमारे किसान भाइयों को फायदा होने वाला है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जमीनी स्तर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अपना धरातल खो चुकी है। तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनको हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, जिनको ये भी नहीं मालूम कि खेती में प्याज जो है, आलू जो है, वो जमीन के नीचे उगता है या जमीन के ऊपर उगता है, वो हमारे किसान भाइयों की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो 70 साल तक जिन्होंने राज किया, हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सोचा नहीं, तो वो बौखला गई है कि ये इतने अच्छे बिल आ गए हैं कि अगर ये बिल ठीक ठाक तरीके से, जैसे अगर धरातल पर हमारे किसान भाइयों को समझ में आ गए, तो तुम्हारी बिल्कुल राजनीतिक जमीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। जो शैलर्स जो हैं उनके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, और जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब दूर हो गई, और कल से हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है धान की फसल जो है हमारे किसान भाइयों की बिकेगी। ये तो आप ये कहिए कि एडिशनल कोई चीज है, एक चीज जो परंपरागत पहले तरीके से चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके अंदर तो हमने कुछ भी कटौती नहीं करी किसी भी तरह की। आप ये बताइए ना कि कहां पे क्या कम किया है, कोई एमएसपी जो है बंद कर दिया हो या फिर कोई हमने मंडियां बंद कर दी हो, लेकिन हमने तो और एडिशनल ये कर दिया कि अब च्वाइस हो गई है, अगर हमारा किसान भाई चाहे तो बाहर भी बेच सकता है, अगर हमारा किसान भाई चाहे तो खुद भी स्टोर कर सकता है। पर एक बात तो ये है कि जो निकम्मे और नकारा अधिकारी हैं, जिन्होंने उस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है, उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही मेरी डिबेट हुई है, बल्कि उसके तुरंत बाद वो सस्पेंड हो गए हैं सब के सब, बहुत भारी संख्या में अधिकारी जो वहां पर सस्पेंड हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक करके, जैसे भी करके, फांसी की सजा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि उनके साथ ऐसा वर्ताव किया जाएगा, ऐसा सलूक किया जाएगा, ऐसी सजा उनको दी जाएगी कि 100 बार सोचेगा कोई भी अपराधी करने से पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो अन्याय करेंगे और उस बच्ची को न्याय जरूर मिलेगा।